दोस्तों मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां हैं 10 से 12 लाख रुपए की, लेकिन आज हमारे साथ ये जो खड़ी है ना, ये है हुंडई की वेन्यू। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, वो ये है कि ये डीजल का बेस वेरिएंट है और लगती बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है आगे पीछे से सब तरीके से अगर इसको देख लें। दूसरी चीज़, ये एक मिनिएचर या फिर एक मिनी एसयूवी है, लेकिन इसमें 80% फीचर हैं जो आपको पेट्रोल की टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये अभी अभी आई है, 600 किलोमीटर ये ड्रिवन है, उसके बाद में क्या मसाला है इसके अंदर वो इसके पूछते हैं ओनर से। सुदीप, हाय सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत ही अच्छी गाड़ी है पहली बात तो ये। थैंक यू कितने की मिलती है सर? ये ऑन रोड 11.5 लाख रुपए की पड़ी है अभी। और इसमें 11.5 लाख रुपए में क्या क्या मिला है? 11.5 लाख रुपए में सर हमें एक तो इसकी सबसे पहले बोल्ड लुक मिली है। बोल्ड लुक के अलावा इसके अंदर आप देख सकते हो डे रनिंग लाइट्स दे रखी हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रखा है। एलईडी है? नहीं, दिस इज एलईडी और एंड दिस इज कॉर्निंग लाइट्स आल्सो व्हिच आर यू। ये भी एलईडी है? दिस इज नॉट एलईडी, दिस इज हैलोजन बल्ब। हैलोजन नहीं है? यस, दिस इज हैलोजन। ओके। सो बेसिकली इट्स द पर्पस कि जैसी टर्निंग के टाइम बहुत काम आती है, बाकी इसका कोई वैसे मेजर यूज नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, ये बेस मॉडल है? यस। जरा इसको यहाँ से दिखा दो, बहुत ही सुंदर सी लग रही है गाड़ी। वैसे भी ये व्हाइट कलर के अंदर ज्यादा खिल रही है, जिसको बोलते हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लग रही है। बेस मॉडल है डीजल का? यस सर। तो ये क्यों लिया डीजल का बेस मॉडल? डीजल का बेस मॉडल का रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मेरे को डीजल गाड़ी लेनी थी, बिकॉज इसके अंदर एवरेज अच्छी है। कंपनी की जो क्लेम करती है वो 23 की एवरेज है, और मैं अभी इसको गाड़ी को पिछले 10 दिन से चला रहा हूँ रेगुलर, तो ये मेरे को अप्रॉक्सीमेट 22-23 की एवरेज बहुत आराम से दे रही है। कितना चला रही गाड़ी अभी? मैंने अभी 650 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ ऑलरेडी। और इसमें मैक्सिमम एवरेज कितनी मिल रही होगी? मैंने मैक्सिमम एवरेज तो 24 प्लस की 25 की भी निकाली है एवरेज। कंपनी कह रही है 23, तो मैंने 24-25 की भी निकाली है। हाँ जी। अच्छा जी, ऐसे कैसे? बस ये ड्राइविंग का स्टाइल है, उससे रीजन है कि चेंज हो जाती है एवरेज। अरे ड्राइविंग स्टाइल में बाद में आएंगे, पहले देख लो ये कनेक्टिंग टेल लैंप्स वगैरह ये सारे फीचर इन्होंने। दिस इज द मेजर फीचर ये गाड़ी के, अभी नया लेटेस्ट है। एक्चुअली ये बेस मॉडल के अंदर कैसे दे दिए? बेस मॉडल में कंपनी ने ये है कि ये बेसिकली वेन्यू जो का डीजल में ये थर्ड वेरिएंट है, जो पेट्रोल में इससे नीचे दो वेरिएंट और आते हैं। अच्छा। बट ये डीजल के अंदर फर्स्ट मॉडल है। तो ये है इसका ड्राइवर्स केबिन। अच्छा, ये ड्राइवर्स केबिन का जो एक्सेसिबल एरिया है ये काफी ज्यादा है इसमें। हाँ जी, है ना, क्योंकि काफी इजी टू वॉक इन एंड वॉक आउट है, क्योंकि ये जो डोर्स हैं काफी सारी गाड़ियों के इतने खुल रहे हैं, इसका इतना खुल रहा है, पूरा वाइड ओपन है, एक और खुल रहा है, तो ये जो एक्सेसिबल स्पेस है ये बहुत ज्यादा है इसके अंदर, एकदम से बंदा जाके बैठ सकता है। हेल्दी पर्सन भी आराम से बैठ सकता है, उठ सकता है इसके अंदर। ये की मिलती है इसके साथ में ऐसी, है ना, फ्लिप की है ये। फ्लिप किया, ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि बेस मॉडल के अंदर अगर ऐसी फ्लिप की दे रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे मारुति की गाड़ियों में देखोगे ना, वही गंदी सी, वो पुरानी की है सर, वही है। डीजल वेरियंट है ये, थोड़ी सी पास आके दिखा दो उसमें, तो डीजल वेरियंट है। और अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो डीजल वाले फील है नहीं है इसके अंदर, वो देखते हैं। वैसे कुछ खास लगा नहीं पता कि ये डीजल वेरिएंट है, स्टार्ट करने में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर, और साउंड भी ऐसा कुछ नहीं है। अब आप खुद भी फील करोगे तो यहाँ कोई इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है गाड़ी को चलाने में ना, और ये वैसे भी कोई अगर हम ऑन रोड अगर कहीं खड्डे वाली रोड में भी जाते हैं कुछ है, तो उसमें भी इसके अंदर कोई साउंड फील नहीं होता। वैसे डीजल वाला फील तो नहीं है इसमें? डीजल वाला फील नहीं है बिल्कुल, बहुत माइनर है, लेकिन वो चीज़ आपको फील ही नहीं होगी बिल्कुल। थ्रॉटल देता हूँ। अच्छा, थ्रॉटल में भी कोई कुछ खास साउंड नहीं है इसके अंदर, है ना? आपको थ्रॉटल देते हुए भी आपको फील हो रहा होगा बहुत स्मूथ जा रही है, मतलब रेस भी आप दोगे तो काफी स्मूथ है। ये इंस्ट्रूमेंट साइलेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है यार। या दे आर बेसिकली इन्होंने अल्काज़ार जो इनकी गाड़ी में आता है, दैट इज अप्रोक्सली 18-20 लाख की गाड़ी है, उसकी इन्होंने ये चीज इसके अंदर दी है। और ये जो फीचर्स वगैरह हैं, ये बेस मॉडल के हिसाब से काफी ज्यादा नहीं लग रहे हैं फीचर, बस ये एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल छोड़ दो उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है ये भी मिल रहे हैं आपको बेस मॉडल के अंदर। सब कुछ दे दिया सर इन्होंने, मतलब आपको कुछ ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाहर से कुछ एक्सेसरीज लगवाने की जरूरत पड़ेगी। ये 7 इंचेस है? दिस इज 8 इंचेस। 8 इंचेस, तो इसके अंदर सारी चीजें होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले एंड एप्पल कारप्ले है ये, और आपको इसके अंदर 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और मतलब एवरीथिंग नेविगेशन एंड ऑल दैट इसके अंदर इंक्लूड है। जो इसका कारप्ले है वो वायरलेस है या वायर्ड है? नो, इट्स वायरलेस। वायरलेस है ना, ये बड़ी सही चीज कर दी इन्होंने, क्योंकि काफी अच्छी गाड़ियों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो वायर्ड है। वायर्ड है तो भाई पहले यूएसबी लगाओ, yes. तब जाके वो चलेगा, and, वायरलेस हो ना। आई हैव रेड इन इट्स ब्रोशर कि ये इसके टॉप मॉडल में शायद वो वायर वाला सिस्टम है। टॉप मॉडल वायर वाला है,
और इसमें ये वायरलेस है। ये क्या पी के गाड़ी डिजाइन कर रहे थे क्या? आई डोंट नो व्हाट द रीजन बट आई हैव रेड इन देयर ब्रोशर आल्सो। अच्छा yes. और इसमें ये आमरेस वामरेस सब कुछ है। आमरेस के अंदर जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा है, मतलब यहाँ तो भाई का सामान रखा हुआ है। और इसमें अगर दिखा दें तो ये भी डैश भी काफी प्रॉपर है यार। ग्लोव बॉक्स काफी अच्छी स्पेस मिलती है। सॉरी हाँ, ग्लोव बॉक्स के अंदर स्पेस है काफी, यहाँ पे भी स्पेस है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग चार्ज हाँ यहाँ ऑप्शन है, आप लगवा सकते हैं। अच्छा। और टॉप मॉडल में इनका आता है वायरलेस चार्जर। तो स्पेस के अंदर एक यहाँ पे स्पेस मिल गया, अगर वायरलेस चार्जर नहीं है तो कुछ भी रख सकते कुछ भी रख सकते ठीक है। फिर एक ये कॉइन्स के लिए यहाँ पे स्पेस मिल गया, दो कप होल्डर्स यहाँ पे मिल गए। एक्जेक्टली है ना, बस ये एक चीज है। अब ये नई गाड़ियों में से हटा दो, इसकी जगह कुछ बटन वटन लगा दो तो थोड़ी सी अच्छी चीज हो जाएगी ना। एक्जेक्टली फील गुड हो जाएगा। 11.5 लाख रुपए बंदा दे रहा है, कम तो है नहीं। लेकिन 11.5 लाख रुपए में अगर इंटीरियर हम देख रहे हैं या फिर एक्सटीरियर हम देख रहे हैं, सारी चीजें तो एक पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही हैं। इसमें नहीं है आपका मिरर, इस तरफ भी मिरर नहीं है, तो इसके अंदर मिरर्स तो यहाँ पे नहीं मिले। लेकिन पीछे वाला अगर मैं देखूँ उसका, तो पीछे अगर बैठ के देखते हैं ना तो पीछे कैसा फील है भाई। देखो ये सामान तो पड़ा है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीज पिछला जो फील है वो हाँ ऐसा है कि बैठे तो आप छोटी गाड़ी में हो लेकिन ज़मीन से काफ़ी ऊपर बैठे हुए हो। और मेरे को तो एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी लग रही है कि इसमें रेयर में एसी वेंट्स भी हैं और यहाँ पे ये टाइप सी पोर्ट भी हैं, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लेटेस्ट फ़ोन जितने भी है वो सारे के सारे टाइप सी कनेक्टेड होते हैं। इंजन जो इसका मतलब है कि काफ़ी स्मूथ है चलने के अंदर भी, और बाकी इसकी कोई आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी इंजन के अंदर, जैसे कि अभी हमने स्टार्टअप भी करके देखा था गाड़ी को। और कुछ भी चीज़ है इसके अंदर, फील भी अच्छी आती है चलाते हुए। तो ऐसे डीजल वाली यहाँ पर कोई फील हुई कि डीजल गाड़ी के अंदर कोई साउंड होता जैसे, वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई। ये है इसका डीजल इंजन, कुछ ऐसा सा दिखता है, नीट एंड क्लीन ही है ना, कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा इसके अंदर ये क्या चीज़ लगी हुई है, तो टर्बो सिस्टम लगा हुआ आई थिंक इसके अंदर ये था। हाँ, मे बी इट्स लाइक CRDI है 1.5। हाँ, तो ये उसी का सिस्टम है। तो ये टर्बो चार्ज देगा ये। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि ऑनर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ दिख गया हमें। अच्छा, ठीक है। हाँ, दैट इज टर्बो। तो ये आप जो है पूछ लेना कि ये टर्बो चार्ज है नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि राइडिंग कंफर्ट है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है इसका, साउंडलेस है, माइलेज बहुत अच्छी निकालती है, माइलेज बहुत अच्छी निकालती है ना। अब ये तो हो गई भैया 11.5 लाख रुपए दिए तो बंदा तो सारी सारी तारीफ करेगा। अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दो इस गाड़ी के बारे में। नेगेटिव पॉइंट्स भी वैसे तो इसकी मुझे अभी तक लिटरली फील नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट ये बता सकते हैं कि इस रेंज के अंदर इन लोगों को थोड़ा सा बैक सीट के अंदर हल्की सी और स्पेस इंक्रीज कर सकते थे तो मच बेटर होता। थोड़ी सी कम है। और दूसरा एक चीज़ और है कि अगर जैसे इन्होंने छोटे मोटे एक्सेसरीज जैसे डिक्की के अंदर लाइट नहीं दी है, वो पॉइंट्स ये एड ऑन कर सकते थे। इसका जो एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले है उसके अंदर मुझे आज ग्लिचेस नज़र आई हैं कि गाड़ी में चलते चलते वो एकदम से स्क्रीन ब्लैकआउट होगी कुछ देर के लिए। म्यूज़िक चल रहा था बट स्क्रीन ब्लैकआउट होगी और कुछ देर बाद शायद म्यूज़िक भी बंद हो गया था। तो मैंने दूसरे मोड पे उसको USB पे करा तो वो म्यूजिक चल पड़ा, चल गया। बट एंड्रॉइड वाले में कनेक्टिविटी में कुछ इशू है। आई विल गो टू मतलब शोरूम जाऊंगा फर्स्ट सर्विस। शोरूम वाले कंपनी वाले को ठोकना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस से क्या है यार, ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगने लगी अब जब से ये NCR के अंदर पानी भरने लगा है ना जगह जगह। यस यस सर, ये चीज बचा सकती है आपको। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका कितना फायदा देती है आपको? ग्राउंड क्लियरेंस सर मेरी जैसे कि ऑफ रोडिंग ड्राइविंग काफी रहती है और मेरा डेली रूटीन भी जो है वो ऐसा ही है, तो उसमें मेरे को स्विफ्ट में थोड़ी सी फील होती थी कई बार नीची गाड़ी की वजह से, तो यही रीजन था ऊंची गाड़ी लेने का। और इसमें बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दी है, इवन तो इसकी क्रेटा से भी प्लस है, नई क्रेटा से। ये गाड़ी लेने से पहले कितनी गाड़ियों पे स्टडी करी है? हर एक मैंने सर कम से कम तो 3-4 कार्स पे स्टडी करी थी पूरी डीपली। कितने टाइम तक? मैंने 3-4 महीने तक पूरी रिसर्च करी है अपनी गाड़ियों की। टेस्ट राइड सबके लिए? सबकी टेस्ट ड्राइव ली है। तो भाई ये है, ये जो कंटेंट हम इस वक्त कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो ये है कि ऐसे ऑनर जो कि अपना ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू देते हैं इतनी सारी मेहनत करने के बाद, 3-4 महीनों की मेहनत आप लोगों को यूं ही बोल के बता रहे हो। बिल्कुल सर, है ना। तो आप लोगों की हेल्प हो सके और हम लोगों की भी हेल्प हो सके सब्सक्राइब वगैरह करके या फॉलो वगैरह करके। इसके अंदर कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं और ये बेसिकली आपको इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी में देखोगे तो उनके बेस से सेकंड मॉडल के अंदर सिर्फ 15 इंची के टायर ही मिलेंगे और इसमें कंपनी आपको 16 इंची के टायर देती है। और जो अलॉय यूजर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो डायरेक्ट इस पे अलॉय फिट करके अपना चला सकते हैं, उनको टायर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ एक और चीज ऐड करते हैं कि यार ये जो इसकी व्हील कैप्स दी है ना, यस दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये तो लग ही नहीं रहा कि ये व्हील कैप है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कंफ्यूज था कि ये अलॉय व्हील्स है। एग्जैक्टली ये व्हील कैप है, लेकिन ये चीज के लिए थम्स अप। ये भी एक और चीज इनका प्लस पॉइंट है सौरभ जी कि ये लोग रूफ रेल्स दे रहे हैं आपको इसी मॉडल में, और मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हो। एंड वन मोर एडिड फीचर, ये आपको
शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली इस वेरिएंट या सेकंड थर्ड वेरिएंट नॉर्मली आपको एंटीना दूसरा नॉर्मल देते हैं ये लोग। बेस मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे डीजल के, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मिल रही है। बाकी देखो बेस मॉडल है तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे, जैसे कि डीफॉगर वगैरह नहीं दिया है। एग्जैक्टली तो वो सारी चीजें, तो क्योंकि बेस पे जब बंदा जाता है तो ये सबको सोच के जाता है कि इतनी चीजें नहीं मिलेंगी, इतनी चीजें मिलेंगी। एंड दैट टू डीफॉगर लाइक वो एक सर प्रीमियम सेगमेंट में चीजें आ जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चाहिए तो आपको वो आप कर सकते हो चीजों को। एग्जैक्टली पैक के अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर जो एलईडी है कनेक्टिंग एलईडी, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। और अदरवाइज उसके अलावा इन्होंने कंपनी फिटेड इसमें कैमरा भी दिया है, जिसका बहुत ही अच्छा और क्लियर व्यू दे रही है ये गाड़ी। प्लस विद सेंसर्स, उसके अंदर सेंसर्स का भी आपको पूरा प्रोविजन दिया है, कैमरा भी है, और कहीं से अगर टक्कर होने वाली हो तो वो सेंसर बता देंगे, सेंसर भी कंट्रोल कर देंगे कितना गैप है कितना नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है। सिर्फ कैमरा काम का नहीं है, सिर्फ सेंसर्स काम के नहीं है आज के टाइम में। Exactly. ये दोनों चीजें मिलकर काम करनी चाहिए, तभी अच्छे से हम पार्क कर सकते हैं। और उसका पूरा आपको सेंट्रल एमआईडी स्क्रीन के अंदर पूरा डिस्प्ले आएगा कि जब आपका सेंसर्स वर्किंग कर रहे होंगे तो। अच्छा पता नहीं चलता यार इसके अंदर की गाड़ी स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई, ये चीज़ मेरे को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है डीजल कार के अंदर। सिर्फ एक ये चीज़ आपको बता देगी हाँ ये बेस मॉडल है। एग्जैक्टली है ना। तो अब ये जो टीपीएम है वो कहाँ से शो होता है? जो टीपीएम के लिए सर बड़ा अच्छा इन्होंने दे रखा है, यहाँ इंफोटेनमेंट आपकी सारी यहीं से एडजस्टेबल है। ओके प्रेशर आप इसके अंदर कोई भी ड्राइवर के रिलेटेड क्लस्टर के अंदर ये जो लाइट्स हैं, ये तीन तरह की लाइट्स चेंज हो जाती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपकी डोर की और जो भी कन्वीनियंस है वो सब एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आते हैं सर टीपीएम, ये टीपीएम जो टायर प्रेशर मीटर है वो तभी आपका शो करता है जब आप ड्राइव करते हो, तो एवरी टायर में क्या आपका प्रेशर रहेगा, एयर प्रेशर, वो मॉनिटर आप यहाँ से कर सकते हो। मोड्स भी है इसके अंदर, ड्राइविंग मोड्स है? नहीं ड्राइविंग मोड इसके अंदर नहीं है, वो टॉप मॉडल के अंदर है। तो जी ये है इसका टीपीएम सिस्टम। अभी थोड़ी सी गाड़ी हमें चलानी पड़ी तो इसमें यहाँ पे दिखा दिया 43, 44, 43, 44। तो ये इसकी जो रीडिंग होती है ये एक्यूरेट होती है? बिल्कुल ये एक्यूरेट होती भी है, और कुछ थोड़ा सा ये अकॉर्डिंग प्रेशर आपकी गाड़ी की चलने से कुछ एक पॉइंट ऊपर नीचे ये होती रहती है, जो कि मैंने अभी पिछले 10 दिन से ऑब्जर्व करी है चीज। वैसे ये होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर है कितना नहीं है। सौरभ जी सबसे बेस्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई अननोन ड्राइवर है, इसको आईडिया नहीं लगता कि मेरी गाड़ी पंचर हो रही है कुछ भी हो रही है, तो अगर वो इस चीज को देख लेगा तो उसको आईडिया लग जाएगा हमें गाड़ी में टायर में हवा काफी कम हो गई है, तो इट कैन इजीली चेक आउट। अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेस मॉडल है और बेस मॉडल के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, मिल रही है ना। इवन दो वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि मेरे को जो कलर ट्रिम भी है इसके अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने शो करा था कि अकॉर्डिंग टू मोड्स चेंज होएगा टॉप मॉडल में। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें सिंगल कलर ही आएगा, जब मैंने इसमें देखा कि नहीं इसमें भी थ्री कलर्स ऑप्शन दे रखा है तो आई वाज लाइक कि ठीक है एड ऑन फीचर मिल गया। तो जी यही है एक वेन्यू डीजल वेरिएंट जो कि बेस है। बहुत अच्छा लगा हमें यार ये जो गाड़ी है, बहुत ही अच्छी डील क्रैक कर लिया आपने। इस इन पैसों में के अंदर इतने सारे फीचर मिल गए। एग्जैक्टली ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे, कार बाइक और बहुत सारे कभी कभार प्लेन के भी आ जाएंगे यार। तो हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट दे दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जब तक नए वीडियोस आ रहे हैं, कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।